आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी के से फुल घेर वाला एक लहंगा बनाना बताऊंगी। इसे अम्ब्रेला लहंगा भी कहते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और पहनने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो मेरी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी सभी छोटे छोटे पॉइंट्स समझ आ जाएँ, जिससे कि आप भी ये वाला लहंगा घर में आसानी से बना सकें। तो चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए इस तरह से हमने साड़ी को अच्छे से बिछा लिया है और पल्लू को काट के अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा पल्लू शुरू होता है, हम यहाँ से सीजर की हेल्प से इसको सीधा काट लेंगे। इसका हम ब्लाउज या चोली तैयार करेंगे। अब इस तरह से हमने साड़ी में से पल्लू को हटा दिया है। अब इसके बाद साड़ी के ऊपर नीचे दोनों साइड बॉर्डर बना हुआ है। सबसे पहले हम दोनों साइड वाले बॉर्डर को काट कर हटा देंगे, अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये आधा आधा इंच बॉर्डर से एक्स्ट्रा लेते हुए, क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा तो आधा आधा इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए पूरे बॉर्डर को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर और नीचे वाले बॉर्डर को काट कर अलग कर दिया है। अब इसके बाद ये जो हमारे साड़ी के बीच वाला हिस्सा है वो हमारे पास ये बच गया है। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये हमारा लंबाई में कपड़ा कितना मीटर रह गया है, बाकी रह गया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको चार तह में फोल्ड करेंगे। तो चार तह में फोल्ड कैसे करना है, जैसे हम कोई भी ऐसे नॉर्मल साड़ी जब बॉर्डरों में रखते हैं तो जैसे उसको तय करते हैं, पहले तो हमने ऐसे इस तरह से डबल तय करी है, इसको डबल में फोल्ड किया है इस तरह पूरे कपड़े को। अब उसके बाद एक बार फिर से उसको फोल्ड करना है। तो यहां पे देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा चार तह में फोल्ड हो गया है। अब हम कपड़े की लंबाई चेक करेंगे कि हमारे पास कितना मीटर कपड़ा बच गया है। वैसे जो साड़ी होती है कई बार 5 मीटर में भी आती है, 6 मीटर में भी आती है और 7 मीटर में भी साड़ी आती है। तो अब हम अपनी साड़ी चेक करेंगे हमारे पास कपड़ा कितना बचा है पल्लू काटने के बाद। तो यहाँ पे 39 इंच क्या 4 मीटर हो गया और उसके आगे 1 मीटर और, टोटल हमारे पास 5 मीटर कपड़ा साड़ी का बच गया है। और यहाँ से देखिए ये हमारे पास बंद वाला हिस्सा है और ये हमारे पास खुले वाला हिस्सा है। ये मेरी तरफ है और ये ऊपर वाली साइड ये बंद वाला हिस्सा है। इस कॉर्नर से हम हिप का नाप लेंगे। जो लहंगे का नाप होता है जो वो दो ही साइज इसके लेने होते हैं, एक तो होती है लंबाई और एक होता है वेस्ट का, जिसे हम हिप से थोड़ा सा ऊपर से नापते हैं। तो इस साइड से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। अब हम सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे इस कॉर्नर से। तो ये देखिए यहाँ पर इस साइड ये बंद वाला हिस्सा है और यहाँ पर ये हमारे पास चार तय है, हमारे पास चार लेयर्स है तो ये खुले वाला हिस्सा है। तो यहाँ से हम इस कोने से इस तरह से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे मेजरमेंट में जो कमर है वो मैंने जो जिस कमर का ये तैयार करना है वो उसका साइज है 34। तो हमारी 34 इंच कमर है, 34 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो वो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हम यहाँ से अब इस कॉर्नर से यहाँ से देखेंगे कि 9.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए गोलाई में थोड़ा देखेंगे तो 9.5 इंच इस तरह से यहाँ पे निशान है एक। तो यहाँ से देखेंगे हमारा कितना है 7 इंच, तो यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से भी 7 इंच पे इस तरह से राउंड में हम गोलाई देते हुए इसको मार्किंग करेंगे। तो ये दोनों कॉर्नर से हमारा सेम निशान आना चाहिए। यहाँ से 7 इंच है तो यहाँ पे भी 7 इंच। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कितनी कमर बन रही है, तो हमें 9.5 इंच चाहिए। तो हम यहाँ पे हमारा 10 इंच बन रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से गोलाई में अपनी कमर चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी 9.5 पे कमर का हमने निशान लगाना था। तो यहाँ पे देखिए 9.5 हमारे पूरी निशान आ गया है। तो यहाँ से हम कमर की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारे लहंगे की जो तैयार लेंथ है 39 इंच है तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है
तो वो हो गया 40 इंच, क्योंकि आधा आधा इंच ऊपर और नीचे से सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो इसलिए हमने एक इंच एक्स्ट्रा रखा है। और उसके बाद 2 इंच की ऊपर बेल्ट लगेगी, तो उसमें से 2 इंच हमने कम कर देना है, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा बेल्ट लगेगी 2 इंच की। तो हमारे लहंगे की टोटल लेंथ कटिंग में जो रहेगी वो रहेगी 38 इंच। तो अब हम यहाँ से हमने इस निशान से नीचे की तरफ, यहाँ पे बंद वाली साइड से नीचे की तरफ 38 इंच पे एक मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 32 आ रहा है, तो हम नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे जॉइंट डलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे 38 इंच पे एक मार्क कर दिया है। अब यहां से इंची टेप घुमाते हुए यहां से ऊपर से हम चेक कर लेंगे, तो हमारा ये 38 इंच कहाँ पे आ रहा है, कितने पे, 44 पे। तो ऊपर यहाँ पे हम चाहे कुछ भी किसी को पकड़ा दो, या यहाँ पे चाहे सीजर रख दो। इस तरह से सीजर रखने के बाद हम इंची टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे, इस तरह से इंची टेप को आगे आगे घुमाते जाएंगे और 44 इंच पे मार्क करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है, इस निशान से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारे जॉइंट डलेगा, तो उसके लिए जो उस साइड से हमारा कटिंग में कपड़ा निकला है उसको इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर आधा आधा इंच का इसके ऊपर कपड़ा रखते हुए यहां से अब हम देख लेंगे कि कितनी लंबाई है। यहां से यहां पे हम 44 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहां पे इस तरह से ये देखिए, हमने जॉइंट की कटिंग भी कर ली है। अब इसके बाद हम ऊपर से कटिंग करेंगे, जो हमने वेस्ट पे मार्किंग करी थी उसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको लहंगा खोल के दिखाती हूँ कि इसका कितना घेर तैयार होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारे लहंगे का फुल घेर कितना ज्यादा तैयार होगा, आप खुद देख सकते हैं ये बनने के बाद इसका कितना फ्लेयर आएगा। अब इसके बाद हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। अब लाइनिंग को कट करने के लिए, इसके लिए मैंने ये देखिए यहाँ पे टाफ्टा फैब्रिक लिया है लाइनिंग लगाने के लिए, और ये मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, और इसको भी सेम जैसे साड़ी मैंने फोल्ड की थी इसको भी मैंने सेम 4 लेयर्स में इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसे भी सेम जैसे साड़ी की हमने मार्किंग की थी उसी तरह इसकी मार्किंग करनी है। ये बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है, ये देखिए 4 लेयर्स है इसकी और ये बंद वाली साइड है। चाहे तो आप मार्किंग कर ले, चाहे ये लहंगा जैसे मैंने कट किया है इसी को बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है कट करना। इसको इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे बिल्कुल बराबर। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पे मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी सेम इसी तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ भी मार्किंग कर ली है और ऊपर की तरफ भी मार्किंग कर ली है। अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक को उठाएंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको 2-2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, क्योंकि जितनी हमारे लहंगे की लेंथ होगी उससे 2 इंच हमने लाइनिंग कम कट करनी है। इस तरह से 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2-2 इंच ऊपर की तरफ लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर की तरफ निशान लगाया है उस निशान से हम कटिंग करेंगे। अब इसी तरह ऊपर की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया है। अब जैसे कि हमने लहंगे को कट तो कर लिया है, अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमने ज्वाइंट कट किया था उसको पहले लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने लहंगे को खोलेंगे और जो बंद वाली साइड से हमारा ज्वाइंट आया था, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी बंद वाली साइड है। इस तरह से लहंगा हमने कट किया था, तो ये जो हमारी बंद वाली साइड है, इस तरह से पहले यहाँ पे हम एक नीचे की तरफ एक कट डालेंगे ताकि हमें अपने ज्वाइंट का सेंटर मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे कट डाल दिया है जिससे हमें अपने ज्वाइंट डालना है तो उसका सेंटर प्रॉपर मिल जाए। तो अब हम इस तरह से फैब्रिक को खोलेंगे, एक पल्ला लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये जो हमने कट डाला है और जो ज्वाइंट हमने कट किया था उसको भी सेंटर, उसके भी सेंटर में हम एक पहले कट डाल लेंगे। तो इसके सेंटर को इस सेंटर से मिलाते हुए, पहले एक साइड से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले इस साइड को स्टिच करेंगे, फिर इस साइड सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने नीचे की तरफ ज्वाइंट डाल लिया है। अब सेम इसी तरह से हम पीछे वाले पल्ले पे भी ज्वाइंट डाल लेंगे। अब नीचे की तरफ ज्वाइंट डालने के बाद अब हम इस तरह से हमने सीधे वाला हिस्सा मेन फैब्रिक का अंदर वाली का साइड किया है और हम इस तरह से ये वेस्ट वाला हिस्सा ऊपर है, तो इस तरह से यहाँ से एक साइड पे हम आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी सेम हम इसी तरह से एक साइड, जैसे इस साइड इस पे सिलाई लगाई है, सेम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद इस तरह से यहाँ पे लहंगे का फैब्रिक लेंगे, इसको इस तरह से उल्टी साइड हमने अपनी तरफ रखनी है और उसके बाद लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके साथ हम ऊपर की साइड से हम अटैच करेंगे, तो यहाँ पे मोटी सिलाई लगा के हम इसको अटैच कर लेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पे हमारी सिलाई के साथ सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई के साथ लाइनिंग वाले फैब्रिक की सिलाई मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ऊपर की साइड पूरे पे हमने लाइनिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग और लहंगे के फैब्रिक को अटैच कर लिया है। लहंगे को इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे, सीधे वाले साइड हमने अंदर कर लिया है। अब एक साइड तो हमारा यहाँ से देखिए ज्वाइंट हो चुका है, अब हम दूसरी साइड से लहंगे को ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से हम चारों फैब्रिक को पहले आपस में अच्छे से सेट करेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर वाली साइड से 5 या 6 इंच का, इस तरह से पहले 5 इंच का निशान लगाएंगे।
इस तरह से एक निशान 5 इंच के लगाने के बाद अब इसके नीचे हम 2.5 इंच का एक और निशान लगाएंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, जो ऊपर का ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना है, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ तक लाके इसको पक्का करेंगे। चारों पल्लों को पकड़ने के बाद ही इसकी सिलाई लगानी है हमने। अब हम इस तरह से ये ऊपर वाले मेन जो लाइनिंग वाले फैब्रिक को पीछे की तरफ करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से पीछे भी मैंने पीछे की तरफ कर दिया है और ऊपर से भी, और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको यहाँ से जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल आगे से सिलाई शुरू करते हुए बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा ली है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह बाहर की तरफ निकालेंगे और जो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको यहाँ से सिलाई तक छोटा सा कट लगा लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे सिलाई ना कट जाए। यहाँ पे कट लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कट लगा लिया सिलाई पे। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से इसको ये देखिए मैंने अंदर की तरफ कर दिया। यहाँ से अंदर की तरफ करने के बाद इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे डबल में और यहाँ पे सीधी सिलाई नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब इस तरह से यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारे जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है वो दोनों अलग अलग अटैच हो गए हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे वाली तरफ से हम इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको एक और फोल्ड करके पहले सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद एक और फोल्ड डालेंगे, बारीक सा एक और फोल्ड डालेंगे और अब हम यहाँ पे इसकी बिल्कुल किनारे पे पक्की सिलाई लगाएंगे। अगर इस तरह से आप सिलाई लगाओगे अम्ब्रेला किसी भी ड्रेस में, चाहे स्कर्ट हो, चाहे अम्ब्रेला प्लाजो, चाहे कोई भी हो, अम्ब्रेला में कुछ भी कटिंग किया हो, अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग से आएगी, नहीं तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी सफाई से नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ पे डबल में सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले हमने मेन फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमने नीचे की तरफ लाइनिंग की और मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा के उसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे, कमर की तरफ जब हम देखेंगे तो ऊपर मैंने यहाँ पे कट छोड़ा था, यहाँ पे 5 इंच का मैंने कट रखा था। इस कट को पहले हम इस तरह से पहले एक फोल्ड फिर डबल फोल्ड, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए मैंने इसको साइड से भी फोल्ड कर लिया है, साइड वाला कट मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से बेल्ट भी अटैच कर लिया है। बेल्ट के नीचे मैंने इस तरह से लेस भी लगाई है। ये वाली बेल्ट अटैच करने की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप यहाँ वहाँ पर जाके चेक कीजिए। सो अब इसको मैं अपने लहंगे की आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं लहंगे की फाइनल लुक और इसका फ्लेयर देखिए कितना ज़्यादा तैयार हो गया है और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसान है। आप वीडियो को ध्यान से देखें। सो आप भी इस वीडियो को घर में बैठकर बहुत ही इस लहंगे को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये लहंगा पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।